दुनिया के टॉप 15 लग्जरी ब्रांड्स में से 12 सिर्फ यूरोप से है और बाकी 3 अमेरिका से, जिनका नाम है एप्पल, आईफोन और कोच। इसके अलावा चाहे आप बात कर ले गुस्सी, लुइस वुइटन, मर्सिडीज बेंज या और जितने लग्जरी ब्रांड बाकी रहे, सारे यूरोपियन है। आज दुनिया के कुल लग्जरी ब्रांड्स में से 80 से 90% यूरोप से है, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। वैसे ये कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अपनी रिसर्च और नॉलेज की मदद से इसकी 4 वजह बताऊंगा। पहली वजह है कि जो एक लग्जरी फीलिंग होती है उसे यूरोपियन ब्रांड्स काफ़ी अच्छे से पूरा करते हैं। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, इनका बिल्ड क्वालिटी, लुक्स और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होता है, जहाँ बजट एक इशू नहीं होता, क्योंकि ना कस्टमर कितना भी पैसा देने को तैयार होता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कंट्रीज़ के जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं उनका बिल्ड क्वालिटी बेकार है या फिर अच्छे नहीं होते, मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। एप्पल और टेस्ला को ही देख लीजिए, दोनों लग्जरी ब्रांड्स में टॉप पर आते हैं और यूरोपियन कंपनीज़ को काफ़ी अच्छा टक्कर देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी दूसरे महाद्वीप के मुकाबले यूरोप में लग्जरी ब्रांड्स की नंबर बहुत ज़्यादा है। दूसरा रीज़न है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यूके के बारे में आपको पता ही होगा, कैसे दुनिया के लगभग हर देश के ऊपर इनका दबदबा था। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली और कई सारे खास देश हैं जिनके बिना आप इतिहास का पन्ना नहीं पलट सकते। न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट और ज़्यादातर खास इन्वेंशन यूरोप से हुई है, जो दुनिया के लिए इसकी ज़रूरत बढ़ा देते हैं। बहुत सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होने की वजह से यूरोप के देश टूरिज्म में टॉप पर आते हैं। इन सब की वजह से ब्रांड के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये चीज़ कस्टमर के मन में एक भरोसा पैदा करता है जब वो कोई ब्रांड की प्रोडक्ट खरीदता है। तो तीसरा रीज़न है कि यूरोपियंस पहले से ही अमीर है और उनका लाइफस्टाइल ईस्टर्न देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छी रही है पिछले 100 से 150 साल के अंदर, जब ज़्यादातर ब्रांड्स और कंपनीज शुरू हुई है। कम पॉपुलेशन और अच्छी एजुकेशन सिस्टम होने की वजह से लोगों को बिजनेस और उसके टेक्निक के बारे में पता चल पाया, जो यूरोप से ज़्यादातर लग्जरी ब्रांड होने का एक मेन रीज़न है। वहीं बात करें ईस्टर्न कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, जापान और जितने देश बचे, यहाँ लोगों को ठीक से खाने को तो नहीं मिलता था, तो एजुकेशन और बिजनेस को कौन पूछे। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ का GDP पर कैपिटा यानी इनकम बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके लिए लग्जरी प्रोडक्ट्स इतना महंगा नहीं है जितने हमारे लिए, इसलिए वहाँ ज़्यादातर लोग इसे अफोर्ड कर पाते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसे हाथ गिनती लोग ही मिलेंगे जो लुइस वुइटन या रोलेक्स यूज करते हों। चौथा रीज़न है इनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। कोई भी चीज़ अच्छे से करने के लिए एक्सपीरियंस से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं। शुरुआत से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे अपनी गलती से सीखना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ना यूरोपियन ब्रांड्स काफ़ी पहले से शुरू हुई है, टाइम के साथ ये बेहतर और महंगे होते चले गए। इसके अलावा लग्जरी और एक्सपेंसिव वर्ड जैसे यूरोप के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, मतलब जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो मन में सबसे पहले यूरोप की रिच लाइफस्टाइल और उसकी छवि आती है, जो इन ब्रांड्स की सक्सेस के पीछे एक खास वजह है। अगर आपको और कोई रीज़न पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।